ओके सो हिट गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर कंप्यूटर्स का लास्ट के वर्ड दुबाज करने वाले पोकेमोन एडवेंचर्स रेड चैप्टर को। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग आए थे माउंट मून तरफ, जहाँ पे हमें पता चला है कि कुछ टीम रॉकेट कुछ धमाका मचा रही है, और हमें मिस्टी भी मिली थी जिसका ग्यारडोस परेशान था, पर मैंने उसको बचा लिया। और अब चलो अब आगे बढ़ेंगे, और मुझे उससे पहले कुछ बताना है यार, आज मेरा बर्थडे है। हाँ बर्थडे है मेरा, तो विश कर दो यार पहले, तो थोड़ा अच्छा लगता है यार जब कोई विश करता है तो। और हाँ बस इतना ही बोलना था। वैसे मैं बना तो 20 को हूँ, पर मेरा बर्थडे है 21 को, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ ना कि वीडियो जब बनाता हूँ उसके बाद डालता हूँ, मतलब एक दिन बाद, इसीलिए। तो हाँ विश कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और ये कौन है? जेनेट, हैव यू हर्ड द रूमर ऑफ डेलियास न्यू डेट? ओह माय गॉश, इज़ शी पुटिंग हर सेल्फ आउट ऑन द मार्केट अगेन? आई नो, आई जस्ट एज सरप्राइज एज यूर, एंड हियर आई थॉट शी इज बी फॉर एवर फेथफुल टू पीट। डेलिया की बात की कि किसकी? डेलिया तो वो ही है ना, पता नहीं, वो ऐश की मॉम, पर ठीक है। और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार, आज मेरा बर्थडे, थोड़ा अच्छा लगेगा यार। मम्मी आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो बैक। मम मम बी क्वाइट टॉमी, मम्मी इज़ बिजी गॉसिपिंग। गॉसिपिंग? हाँ ये तो भाई सबके साथ होता है, मतलब एक बार मम्मी लोग एक कोई भी मिल जाता है ना उन्हें, तो मस्त बातें करती हैं, चुगलियाँ करती हैं, और हम लोग इधर परेशान होते हैं, ये लड़का मैं ही हूँ एक हिसाब से। हाँ और ये क्या कर रहा है? झुनझुन, हेलो झुनझुन इज द नेम, एंड हैव आई गॉट अ स्पेशल डील फॉर यू, दिस फीबास फॉर द हुएन रीजन यू वॉन्ट टू। ओ क्या, नो थैंक यू भाई। बंदा, ये बंदे भाई हमेशा रहते हैं यार, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाने के लिए रेडी रहते हैं। आई एम काइटो समंथा, अगर इंडियन नेम लग रहा है समंथा। हेलो आई एम टॉकिंग हियर, यू आर डम एंड डोंट यू वेट। वॉट, क्या पता नहीं, कुछ कुछ बातें मुझे समझ ही नहीं आती। और हाँ पिछले एपिसोड में कुछ कुछ ज़्यादा ही डार्क बातें होती, पर ठीक है अब मैं क्या ही बोलूँ उसमें, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आया था, तुम ही लोग कमेंट में बताए थे। और हाँ जो मैं इधर पोके क्विज देता हूँ यार, उसका भी आंसर दे दिया करो यार, उस क्या चला जाएगा तुम्हारा, तुम लोग जवाब ही नहीं देते, फिर मेरा फ़ायदा ही क्या यार इसको डाल के। मैंने सोचा था कि इंटरेस्टिंग लगेगा इसीलिए मैं डालता हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं देता ज़्यादा, पर कोई ना क्या ही बोल सकते। और या तो अगर तुम्हें मतलब कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा नेक्स्ट टाइम से, तुम लोग बता दो पहले ही। और मैं इधर इसीलिए आया क्योंकि मुझे एक पोकेमोन मिला था कैंगस्केड नाम का, जो कि मुझे नहीं पता कैसे आया था। ओ देख रहे हो ये कि क्या है, मतलब इसको पकड़ें क्या? एक्चुअली ना रुको, फेंट ना हो ना तो पकड़ता हूँ इसे। ओके ज़्यादा असर नहीं हुआ मुझे, मुझे नहीं लगता मैं इसको रखूँगा अपनी टीम में, बट थोड़ा सा देखना चाहता हूँ ये है क्या आखिर। ओके अब बैग में, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था ना थोड़ी बहुत, तो मैंने इसको देखा था, मुझे समझा ही नहीं ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है पोकेमोन, मतलब वो तो हमेशा अपने मम्मी के साथ रहता है। पर ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं, आ जाएगा एक पोकेबॉल में पक्के से। नाइस आ गया। और अब बताओ ये कैंगस्केड है क्या चीज़? इफ दिस पोकेमोन इज एवर सीन विदाउट इट्स मदर, इट मीन्स डैट शी हैड पास्ड अवे। ओके कुछ ज़्यादा ही डार्क स्टोरी यार इसकी भी। यार मैं तेरे को अपने साथ ही रखूँगा, कोई ना यार तेरी मॉम नहीं है पर मैं हूँ, मैं तेरी मॉम क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरा पिता बन जाता हूँ। हाँ ठीक है, कुछ है क्या देखूँ ज़रा इसको? अरे इसके पास आइटम है कुछ, तो क्या है आइटम देखूँ? स्कल, स्कल क्यों है इसके पास? भाई इसकी मॉम का ही तो नहीं यार, ये तो काफ़ी गलत सीन है यार। ठीक है यार क्या बोल सकते हैं, मैं यार इसको कभी बैटल नहीं करवाऊंगा यार, ये हमारा प्यारा सा है पोकेमोन है, क्यूट सा, ये बस हमारे साथ रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए, तो साथ में रहेगा बाद का पता नहीं। एंड आई गेस मैं कुछ
5 मिनट से टाइम पास ही कर रहा हूँ, मतलब अपने मेन मिशन में जा ही नहीं रहा हूँ, बस टाइम पास ही कर रहा हूँ। पर चलो कोई ना, अब चलेंगे हम अपने टाइम पास में, आई मीन मिशन पे। वैसे मेरे पास रॉक स्मैश नहीं थी, मैं नहीं तो मैं वो बोल्डर तोड़ देता। माउंट मून, हाँ हमें पता है, हमें टीम रॉकेट की तलाश करनी है, उन्हें रोकना है और सर्विलियन सिटी भी जाना है। द बैटल मूव्स वक्वाना, ठीक है नहीं जानना, चलो यार। ओ क्लेफेरी बैटल करेगी क्या? ना, ठीक है ठीक है। ऊपर पॉकी बॉल है, इधर बंदे हैं, बैटल तो नहीं करेंगे ना, ये लोग लग तो नहीं रहा। आई एम फुटाबी गोसेन नो टोकी वो कोई मीफू नो तोबीरा गो हिराकू वारा तमाशी वो आरा नारू सेकाई नो काटे टुसुरु गाई कुरेन सेयू जीबाक्सुया ओरा पिशु पिसुकू। ओके, पर इसका मतलब तो बता दो बहन जी, पता नहीं शायद जापनीज बोल रही है। ठीक है भाई, हाँ जापनीज गेम है तो जापनीज बोलेंगे, पर यार हमें समझ भी आनी चाहिए, हमें इंग्लिश मुश्किल से समझ आती है, तुम जापनीज ले आते हो, क्या बंदे हो यार। और भाई मार यार, क्या कर रहा है भाई हमारा, क्या कर रहा है बल्बस, और मार यार। अरे यार कर दे भाई, और कोई पकवान है उसको भी पैरालाइज कर दे, कुछ काम धंधा है नहीं। एक तो ये जापनीज बोल रही, मुझे समझ भी नहीं रहा, मुझे आती नहीं जापनीज़, हालांकि मैं जापनीज़ एनिमे देखता हूँ पर जापनीज़ भाषा नहीं आती मुझे। सही तो जा रहे हैं ना हम वैसे, मुझे पता नहीं है पर ठीक है। और पुगमॉन्स भाई देख रहे हो, इसीलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ। और हाँ हम लोग गलत आ गए, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कि क्या ही बात है, क्या ही। चलो भाई इधर से इधर, वो ये बंदा बैटल नहीं करेगा पक्के से, लिख के ले लो क्योंकि ये चल रहा है ना, जैसे मैं बता सकता हूँ। आर यू सीरियस, इसमें बता है जैसे बंदे देखो, अगर बैटल करते हैं ना तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बंदे बैटल करने वाले, पर इस गेम में पता ही नहीं चलता, वो लोग ऐसे नॉर्मल तरीके से चलते हैं इस गेम में, समझ ही नहीं आता कि वो लोग बैटल करने वाले कि क्या करने वाले, पर ठीक है अब क्या बोल सकते हैं। चलो फिर पंगमोन हील करा के लाओ यार, इसी में मेरा टाइम लग जाएगा, फिर मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। वेल छोड़ो, वैसे मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही टाइम पास किया था ये तो मैं मानता हूँ, पर हाँ कभी कभी टाइम पास इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि ये गेम में मुझे टाइम पास करने में बहुत मज़ा आता है, दूसरों से बातें करो कितना सही लगता है, मतलब इतनी फ़नी फ़नी बातें करते, जैसे अभी वो चुगली आंटी वाला, मतलब चुगली माँ आंटी जो भी हो, और हम परेशान बैठे रहे। सही है, वैसे इधर पोके को इसका आंसर है दे देना यार। ओ थंडर बोल्ट मिल गया, नाइस। वैसे मेरा पिकाचू सीख ही लेगा, पर कोई ना। और देखो अगर तुम क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसे, तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है तो बताना, मैं फिर बाद में थोड़ा इजी दूंगा, क्योंकि जब मैं इजी देता था तब तो तुम लोग कमेंट करते थे कि अरे भैया बहुत मुश्किल देते हो यार, थोड़ा नहीं बोलते थे, अरे भैया बहुत इजी पजल देते हो, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछो। वो मूवस्टोन मिल गया, और अब जब मैं मुश्किल पूछता हूँ तब तुम लोग भाई भूल ही जाते हो मुझे कि भाई कौन है तू, मैं जानता ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं सवाल का जवाब फिलहाल तो। चलो कोई ना, तो दे देना यार, अच्छा लगता है। फिलहाल तो यार जाना कहाँ है, मैं हर जगह तो घूम आया और बचा ही क्या। आर यू सीरियस, मैं इधर ही नहीं गया था और भाई इधर ही जाना था, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। और चल भाई हार के मज़ा आया ना। कैनेट, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई टीम नेक्स्ट टाइम, द एक्सप्लोजन विल गो कबूम। हाँ चल चल, कुछ नहीं हरा पाएगा मुझे, इसने पता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था, वो क्या नाम है उसका, मैग्नेमाइट से। ओ ये टीम रॉकेट, घस टीम रॉकेट, क्विक हाइड, वेयर इज दैट मूनस्टोन। अरे मेरे पास है तो, नॉट टू लाउड, दिस इज अ सीक्रेट मिशन रिमेंबर, ही लेट्स सी इफ समवन डज फाइंड आउट देन विल हैव टू यूज एक्सट्रीम फोर्स। वो तो मतलब ये लोग मेरा मून स्टोन चुरा सकते हैं। प्रोफेसर ओक इज राइट, दे आर लुकिंग फॉर द मून स्टोन। ओके सो हाँ मुझे अपने मून स्टोन को संभाल के रखना पड़ेगा, पहले मैं रिपेल मार रहा हूँ यार, मैं सोच रहा था मैं कब से रिपेल इसलिए नहीं मारा, क्योंकि जैसे वो कैंगस किड्स जैसा पुकमोन आ गया था ना, मैं सोचा क्या पता कोई ऐसा और पुकमोन आ जाए, इसीलिए मैं कब से रिपेल नहीं मार रहा था। और इधर
कहाँ जाऊँ भाई, वो लोग तो ऊपर गए थे ना, तो आई थिंक ऊपर जाना ही। अरे भाई इधर कहाँ कहाँ पोकेबॉल दबा के रखते हो भाई। और मेरा रिपेल अब तक ओके ख़त्म हो गया, मैंने जैसे ही बोला कि ओके मैं ऐसे ही पोकेमोन्स की बात कर रहा था। इसका पैरस का अब वो कहाँ गया, ऊपर का मशरूम। ओके वैसे मुझे अभी पता नहीं क्यों पर मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बार बार पोकेमोन से मैं डैमेज खाऊंगा और फिर मुझे हील नहीं करवाना बार बार, इसलिए मैं ये सब पोकेमोन्स को बाद में पढ़ूंगा पकड़ूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि इनके पोकेडेक्स में लिखा क्या है। चलो भाई कहाँ से जाना है, एक इधर भी रास्ता है। प्लीज़ भाई, ओ गोल्डक आ रहा है भाई इधर, अच्छा लेवल अप हो जाएगा गोल्डक से। ओके नाइस, 24 लेवल हो गया। अरे भाई गेम अटक रहा है थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। मैं अब पोकेमोन बदल लेता हूँ, बल्बसौर नहीं रहने दो भाई, बल्बसौर पिट जाएगा, उसका लेवल कम है। ओके ओ अरे यार रेयर कैंडी मिली, नाइस, ये अच्छी बात है। फिलहाल तो मैं हमेशा गलत क्यों जाता हूँ यार, हमेशा मैं वो रास्ते पे पहले अरे भाई ये कौन सा सारापी है, मैं हमेशा वही रास्ते पे जाता हूँ जहाँ पे कुछ है ही नहीं, अजीब ही बंदा हूँ मैं। पर चलो कोई ना, तू बैडल ही कर दे। दे आर सेफ फ्रॉम एन ईविल मैन लाइक मी। अच्छा ठीक है, लो आइसक्रीम खाओ मज़े करो। और कौन आ रहा है बे, ओ भाई ये वॉलपिक्स की ऐसी तैसी, अरे व्हाट ये, ओके पिछली बार पता नहीं क्यों पर इस पे, अरे ये क्या है भाई, ये फायर टाइप ही है ना, इस पे इतना कम डैमेज क्यों हो रहा है, और कौन सा पुकमन आ रहा है, डोड रही हो। ओके आई डोंट नो यार इस पे इतना कम डैमेज क्यों हो रहा था, पर ठीक है। अरे यार और बैटल्स हैं, ठीक है कर लेते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, मेरे पास फ्लाइंग टाइप की कमी है, ये है। अब मुझे पोशन सही में करना पड़ेगा, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है। दो यूज़ करते हैं, दो नहीं तीन, भाई इसमें कितना डैम पोशन यार बहुत कम क्यों लग रहा है ऐसा, भाई इधर पोकबॉल्स बहुत ज़्यादा है, जितना ओरिजिनल गेम में नहीं है ना उतना इधर है। आई बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नाइट नाइट स्टूपिड बॉय। अरे स्टूपिड किसको बोली भाई, स्टूपिड बोली कैसे, तो कैसे ले तेरी ऐसी की तैसी। और चाहिए मज़ा चखाऊँ, ये ले मज़ा आया मज़ा आया। कॉफी पिकाचू आ जा तू, वोल टैकल। अरे भाई भाई वोल टैकल यार थोड़ा खतरे वाला है अटैक है, इससे हमें भी चोट हो सकता है, हो सकता है क्या हो जाए। अरे यार बस बल्बासौर क्यों क्यों भाई, बस बल्बासौर काफ़ी वीक है हमारा, पता नहीं क्यों मुझे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। चलो बहुत सही फ्रीज करा दिया, मेरी पीपी ना ख़त्म हो जाए, आई मीन मेरे पोगमोन की। चलो हरा तो दिया, आइस बीम ओके। चलो इसमें क्या है, बिग मशरूम नाइस। ओ भाई हम लोग आ गए क्या, ऐसा पता नहीं लग रहा है। यू कैन गेट, हाँ चल यार मुझे ये सब नहीं जानना। क्लेफेरी तो है बहुत सारे यार, क्लेफेरी बस खुले में दिख रहे हैं। आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, क्या ही करोगे, सभी आ जाओ भाई बैटल कर लो। आर मिशन है एलिमिनेट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, आ जाओ भाई सबको देख लूँगा, बाप का दादा का सबका बदला लेगा। और कौन, रैडिकेट, रैडिकेट वर्सेस पिकाचू करते हैं, वोल टैकल करते हैं। अरे भाई भाई ओ ओके मेरे पोकेमोन्स की सही में अब बहुत ज़्यादा ही गंदी वाट लग गई है। आई थिंक मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं की। दो रास्ते फिर, अरे भाई ये लोग क्या कर रहे हैं इधर, भाई ये लोग ऊपर क्यों चढ़े हैं। हाँ गॉट यू, सो यू किड हैव बीन इंटरफेयरिंग विथ आवर मिशन, हे, इट्स टाइम फॉर एक्सट्रीम फोर्स। मिस्टी स्टैम्यू स्टैमी नॉक देम अवे, ओ आ वाओ दैट वाज ऑसम, क्विक द एग्जिट इज अप अहेड, वी आर वेरी क्लोज टू सरूलियन सिटी। ओके जल्दी चलते हैं यार, हमें टीम रॉकेट परेशान करेंगी फिर से। कहाँ, वैसे मैंने वो रास्ता नहीं देखा यार, पर चलो कोई ना। अरे भाई एक और बंदे आ गए, जेस यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्टिंग आर कॉमरेड्स। वैसे तब भी टीम रॉकेट के साथ आते हैं, इसमें म्यूज़िक थोड़ा अलग ही हो जाता है। जेमी लेट्स टीच देम अ लेसन जेस,
ये लोग टीम रॉकेट है ना, मतलब जेसी जेम्स, जेस जेमी नाम है। योर पंगमॉन लुक टायर्ड, लेट मी हील। थैंक यू भाई, थैंक यू, यही तो चाहिए था मिस्सी। ये ले भाई, चुम्मा ले ले। वेल कोई ना, उसने मेरे हील करके दिया भाई, इतना अच्छा कौन हो सकता है यार। थैंक यू मिस्टी। अरे मैं अकेला देखूं क्या? आर यू सीरियस? अरे मिस्टी कुछ तो मदद करती भाई, दो बंदों से मेरे को लड़वा रही है अकेले, क्या बंदी है यार। आइस भी मारते हैं इस पे, एंड वोल टैकल शुड बी इनफ फॉर दिस ग्राइमर। स्लैम सीरियस, नाइस स्लैम, बहुत अच्छा अटैक है, पर हटाऊं किसे? डबल टीम हटाते वैसे भी मैं यूज़ नहीं करता, और क्विक अटैक कभी कभी काम आ जाता है तो उसको मैं रखा हूँ। ओके देन आइस भी ब्लूम पे करते हैं, काफ़ी काम आएगा, एंड इस पे क्विक अटैक भी कर देंगे, ये भी चला जाएगा, नाइस। ओके अरे यार पैरालाइज कर दी, चलो कोई ना, वोल्ट टैकल मारेंगे इसको, ये तो मर जाएगा। अरे भाई स्नीजल है इनके पास, स्नीजल तो उधर का है, पोकेमोन है ना, ठीक है, पर कोई ना। रेजर लीफ, चलो मारते रेजर लीफ। अरे कैंगस्किन, सॉरी मैं बोला था कि मैं तुझे बैटल नहीं करवाऊंगा, पर अब कुछ कर नहीं सकते, तू अकेला ही है यार। मेरा कैंगस्किन वैसे ही बेचारा परेशान है, तुम लोग और कर दो यार उसे परेशान। टैकल ही मार दे, अब क्या ही कर सकते। यार मुझे गुस्सा लग रही है अब, सही बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा है इसके सामने। चलो मेरा पॉली कुछ तो कर रहा है। ओके नाइस, फाइनली हमने हरा दिया लेवल। ओके बबल बीम मिल गया, नाइस, यही चाहिए था। अब पर हटाऊं किसे? सभी इसके पास अच्छे हैं, वाटर गन ही हटा सकता हूँ मैं, वैसे भी उसका डैमेज ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है वाटर गन ही हटा देते हैं हम लोग, सही रहेगा। फाइनली हमने ये डुओ को हरा दिया। यार मिस्टी तू मदद नहीं कर सकती थी? मेरे पुगमोन तूने हील तो किया, पर पिट भी गए यार वो लोग। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर जेमी, लुक्स लाइक जेस एंड जेमी आर रनिंग ऑफ अगेन। ब्लास्टिंग ऑफ अगेन बोलना चाहिए था, पर ठीक है। चलो अब आई थिंक हम लोग हो गया, बस अब चलते हम लोग, पास में ही होंगे हम लोग। अरे भाई फिर बैटल, ये तुम लोग के पास भी कुछ काम धंधा नहीं है। बैटल बैटल बैटल, मैं परेशान हो गया यार बैटल कर करके। अब मुझे बस सर्विलियन सिटी पहुंचना है आराम से, उधर मिस्टी के साथ, आई मीन क्या बोलना था मुझे, मैं ही भूल गया, मतलब आराम से घूमेंगे। वैसे ये क्या हुआ, आ गए हम लोग, नाइस, वी आर रियली क्लोज टू द एग्जिट। ये कोगा है ना, इसने टीम रॉकेट का कपड़ा क्यों पहना? वाई इफ इट इजेंट टॉम सॉयर एंड लिटिल बेकी इन द केव, हैं ये किसी चीज़ का रेफरेंस है क्या, मुझे समझा नहीं। योर टीम रॉकेट, ओ हु आर यू? वेल आई गेस आई ओ यू एन आंसर, सो लेट्स डू इट, आई चैलेंज यू। अरे भाई तुरंत ही भाई, मेरे पोगमॉन्स की हालत ख़राब है यार, मिस्टी हील कर देती, क्या बोल सकते हैं अभी। मैं गया और ओ भाई एक अटैक में मार दिया यार, ये कौन है भाई? कोगा ही है ना, कोगा को मैंने काफ़ी इजीली हरा दिया, पर ये टीम रॉकेट के साथ क्या कर रहा है? ये तो जिम लीडर था। माई पोगमॉन मे नॉट लुक लाइक मच, बट दे श्योर आर पावरफुल। हे, दिस टेक मी बैक टू वेन आई वॉज अ चाइल्ड, नाउ लेट मी शो यू द क्रुएलिटी ऑफ अडल्ट। वॉट इज ही इंजेक्टिंग इन टू हिज रायहॉर्न? इट्स इन अ लॉट ऑफ पेन। वॉट इंजेक्शन मारने से रायहॉर्न रायडॉन बन गया, ये क्या है? वॉट द इंजेक्शन मेड हिज रायहॉर्न इवॉल्व इन टू अ राइडॉन? माई कैडोज इज दैट वॉट यू डिड टू इट? अच्छा तो इन्होंने किया है। हाउ शुड वी नो? डू यू थिंक वी रिमेंबर एवरी पकवान वी एक्सपेरिमेंटेड ऑन? यू एरोगेंट स्टैयू अटैक, इट्स वर्किंग। डियर मी डू यू रियली थिंक सच वीक अटैक कैन हर्ट राइडॉन? राइडॉन हॉन्ड्रिल। अरे भाई मिस्टी को पटक दिया, मिस्टी यू विल पे फॉर दिस, पर हैव सम अदर लाइफ टाइम, राइड ऑन किल हिम। नहीं यार नहीं, एक तो यार इतना मिस्ट्री क्यों बनता है यार ये गेम में, मुझे तो समझ ही नहीं रहा। फर्स्ट एपिसोड से हर चीज़ में मिस्ट्री है कि क्या हुआ है किसके साथ, और ये जिम लीडर क्यों साथ दे रहा है मुझे। आई थिंक हिप्नोसिस करना पड़ेगा।
प्लीज यार लग जा, मैं नहीं इसको मार सकता। पॉली प्लीज कर दे यार, मैं तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, सही बता रहा हूँ, तेरे को पानी में ले जाऊंगा। प्लीज यार तू कर दे यार। आ नहीं, क्यों पॉली क्यों नहीं कर रहा यार? इतनी देर में मैं कुछ अटैक ही मार देता इससे बढ़िया। ओके आई थिंक मैंने ही गलती कर दी, मुझे पोशन मतलब कि इससे अच्छा मुझे अटैक ही मारना चाहिए था, पर चलो आई थिंक मैं गया। ओ बच गया फिर, बबल बीम। ओके आई डन। ओके गाइस मैं फिर इधर तक आ गया, मतलब कि भाई ये बंदे ने कितना बुरी तरह मुझे मारा था, पर चलो इस बार मैं हील हूँ अच्छे से, तो यार मेरे को अभी डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आ जा यार फिर से, आ जा अपने राइड ऑन बना दे यार, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। आ जा भाई, अब बता दो तेरे को बहुत। उस समय मैं एक बबल भी मार देता ये चला जाता। मैं क्यों हिप्नोसिस कर रहा था, क्यों मतलब क्यों कर रहा था मैं हिप्नोसिस? पर अब चलो अब कर दिया था तो क्या बोल सकते। वैसे पॉली कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर नहीं हो गया ऐसा लग रहा है? हफ हफ द एंटायर माउंट मून इज शेकिंग। अरे भाई ये बोल्डर पोकी बॉल, हाँ ऑब्टेन द मून स्टॉल। अरे भाई ये मिस्टी कहाँ गायब हो गई, हम लोग लेके आ गए क्या? ओ भाई अंधेरा ही हो गया पूरा। वॉट हैपेंड? हाँ वैसे मेरे इधर शाम है ना इसीलिए। हु यू थिंक यू आर ग्रोपिंग? आह वॉट वॉज दैट फॉर? आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर ट्राइंग टू वेट वॉट हैपन टू दैट गाय एंड हिज राइड ऑन। हा, यू शुड सीन मी इन देयर, आई नेल्ड दैट राइड ऑन ईजीली। इट्स इम्प्रेसिव बट विदाउट द मून स्टोन वी माइट हैज़ वेल हैव लॉस्ट। वैसे मेरे पास दो मून स्टोन है, इफ़ यू वुड लेट मी फिनिश माई स्टोरी आई हैव द मून स्टोन एज वेल। वॉट वेन डिड यू, हाउ डिड यू? इट वॉज जस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर वेन द केव वॉज कोलैप्सिंग। नाउ लेट्स हेड टू सर यूलियन सिटी। हाँ, लेट्स गो। एंड ऑफ माउंट मून चैप्टर, चैप्टर 7 कैस्केड बैज चैप्टर। ओके आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि रेड को पता होगा कि मिस्टी जिम लीडर है, शायद हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और भाई आज के एपिसोड में तो काफ़ी मिस्ट्री था कि जिम लीडर क्यों साथ दे रहा था, मतलब पुगमोन फायर रेड में थोड़ा बहुत दिखाए थे कि कोगा साथ दे रहा था, पर उसको ऐसे नहीं दिखाए थे, वो शायद छोड़ और चुका था, पता नहीं कुछ अलग तरीके से दिखाया था। पर हाँ वो हमें पता चलेगा कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाकी लाइक का तो यार 12 लाइक्स का टारगेट है, फॉलोवर कंप्लीट करो और सब्सक्राइब करो, हमें बस 60 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1K करने के लिए। बाकी मिलेंगे ऐसे कमाल की अच्छे रोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।